एक समाचार एजेंसी ने कहा है कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की शर्मनाक हार पर राहुल गांधी से ज़्यादा खफा तो प्रियंका गांधी है। CWC की बैठक में प्रियंका गांधी ने कांग्रेस के कुछ वरिष्ठ नेताओं को लताड़ते हुए कांग्रेस पार्टी का वजूद मिटाने वाला तक कह दिया। महासचिव प्रियंका गांधी ने भी कुछ वरिष्ठ नेताओं की कार्यप्रणाली को लेकर नाराजगी जाहिर की और प्रियंका ने तल्ख लहजे में कहा कि कांग्रेस पार्टी का वजूद मिटाने वाले इसी कमरे में बैठे हुए हैं। उसी बैठक में राहुल ने भी वरिष्ठ नेताओं के द्वारा अपने बेटों के लिए टिकट मांगने की जिद पर नाराजगी जाहिर की थी। जबकि समाचार एजेंसी ने दावा किया है कि सोनिया, राहुल और प्रियंका ने इस बैठक में कुछ वरिष्ठ नेताओं पर राहुल को जरूरी समर्थन न देने पर नाराजगी जाहिर की। सोनिया की नाराजगी साफ थी क्योंकि सोनिया भी पूरी बैठक के दौरान नहीं बोली और ये जाहिर किया कि उन्हें भी अपने विश्वस्त साथियों से निराशा हासिल हुई है। एजेंसी के मुताबिक प्रियंका ही पहली नेता थीं जिन्होंने ये सुझाव दिया कि राहुल को अपने इस्तीफे पर विचार के लिए एक महीने का समय दिया जाए। कांग्रेस नेताओं के साथ अपनी बातचीत में भी प्रियंका और राहुल ने कई नेताओं की कार्यप्रणाली को सही नहीं ठहराया। CWC की बैठक में राहुल गांधी ने कुछ नेताओं के द्वारा अपने बेटों को टिकट देने के लिए अड़ने पर नाराजगी जाहिर की थी। राहुल ने साफ तौर पर कहा था कि इन नेताओं ने अपने हितों के लिए पार्टी के हित को दरकिनार कर दिया। जबकि सूत्र के मुताबिक CWC की बैठक में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम चुपचाप थे। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ इस बैठक में शामिल नहीं हुए। कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा और चिदंबरम के बेटे कीर्ति तमिलनाडु की शिवगंगा सीट से लोकसभा चुनाव जीते। वहीं अशोक गहलोत के बेटे वैभव जोधपुर सीट से चुनाव हार गए। कांग्रेस महासचिव का ये भी आरोप था कि अपने चहेतों को जिताने के चक्कर में वरिष्ठ नेता बीजेपी के खिलाफ आक्रामक प्रचार करने से बचते नजर आए। अगर इन नेताओं ने आक्रामक प्रचार किया होता तो कांग्रेस की हालत आज ये न होती। द डेली न्यूज रूम से विनीत राय की रिपोर्ट।